Tatuagem nós já te marcou. Cê só querem treta e eu só tenho flow. Tamo mais hypado do que o Jon Snow. Se tua zaga é forte, nós tem o coach. Cê é pequeno, caralho, eu sou o dadinho. Te destruo, eu sou o dadinho. Hello, what's up guys? Welcome back again to my gaming channel Indian Gamers League. And I'm your host and friend Pots Kingdom. ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी इवेंट्स के बारे में जो इस टाइम आ रखे हैं क्रिसमस के ओकेशन पे। तो काफ़ी इवेंट्स हैं, काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा इवेंट में क्या करना है, क्या मिलेगा, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमको याद रखनी है, किस इंपॉर्टेंट डेट को क्या होना है, कौन सा इवेंट आना है। तो काफ़ी खिचड़ी पक चुकी है, काफ़ी लोग कह रहे हैं अब तो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इवन मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो ये सारी कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो सारे इवेंट्स पे इस पर डिस्कस करेंगे, कौन सा इवेंट्स है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट को आपको क्या इवेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारे इवेंट इसमें डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिए लास्ट तक, कि कोई भी इवेंट अपना मिस नहीं करिए, क्योंकि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर इवेंट पे अलग अलग वीडियोस तो मैं बना चुका हूँ, लेकिन ये सारी इवेंट्स इसमें आपको एक छोटे से शॉर्ट तरीके में बता दूंगा ताकि आप कोई भी अपना इवेंट मिस ना करो। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा सब्सक्राइबर हो वो अपना कोई इवेंट मिस कर दे और बाद में उसे बुरा लगे, उसका रिग्रेट हो। तो आप ये वीडियो देखिए और सारे इवेंट्स में इसमें चर्चा करेंगे क्या क्या इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। तो आप देख सकते हैं जॉम्बी मोड जो मैंने आपको बताया था वो भी आने वाला है। तो ये 21 नवंबर को दिखा रहे हैं, 1 जनवरी तक आपको दिखाए गए। तो आप खेल सकते हैं जॉम्बी मोड, और इसमें मैं बता दूं डेथ रेस टाइप का कुछ जॉम्बी मोड इसमें नहीं आएगा जैसा हमने पिछली बार देखा था, कुचलना था गाड़ी से। लेकिन इस बार आपको बैटल फील्ड में मिलेंगे, आप जहाँ पे अपना मैप होता है बरमूडा या फिर परगेट्री, आपको उसमें मिलेंगे ये चलते फिरते, आपको उसमें मारना है इन लोगों को। और क्लोन नोज मिलेगी, ये सभी को मिलेगी। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें प्री रजिस्ट्रेशन में सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, एक बार ये यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वाला बटन है इस पर क्लिक कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया है। बस अब आपको 23 तारीख का वेट करना है, जैसे ही 23 तारीख होगी आपको ये खुद ब खुद मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और इसमें लग के कुछ करना है या फिर कोई रिचार्ज करना है। तो 23 तारीख जैसे ही आएगी आपको ये न्यूज़ सभी को मिल जाएगी। बाकी विंटरलैंड के ये बैकपैक्स आ रहे हैं इसकी थीम पे, तो आपको 23 तारीख को पीक डे, मतलब 23 तारीख जहाँ जहाँ पे पीक डे लिखा है वहाँ पे समझ लीजिए 23rd इंडियन सर्वर के हिसाब से। और अगर अलग सर्वर हैं इंडियन सर्वर में, मैं अगर बात करूं तो इंडियन सर्वर में शायद एशियन सर्वर सारे ही आते हैं, अपना पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो ये मोस्टली इनका इंडियन सर्वर से ही आसपास इनका रहता है। तो इनको भी आपको पीक डे पे लॉगिन करना है, मतलब जस्ट गेम अपना ओपन करना है पीक डे पे, और आपको ये बैकपैक्स की स्किन मिल सकती है। और बात करें विंटरलैंड्स डबल, तो 23 तारीख को यहाँ पर डबल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, डबल गोल्ड मिलेगा और यहाँ पर करेक्टर फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं, देखेंगे वो अभी अंदर चल के क्या है। और आपको हर 4 घंटे में एक मोबाइल फ़ोन का टोकन मिलेगा, और ये iPhone 1 फ़ोन ड्रॉप टोकन, तो ये आपको एक फ़ोन मिलने के चांसेस हैं, जैसे अभी तक पिछली बार भी हमने देखा था, दिवाली पे देखा था, उससे पहले देखा था। तो इस बार भी फ़ोन टोकन ड्रॉप किए जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलिए 23 तारीख को गेम, और हो सकता है आपको ये फ़ोन टोकन मिल जाए। और विंटर सरप्राइज लूट क्रेट यहाँ पर आप सभी को मिल सकती है, और कैसे मिलेगी, आप कोई भी कैंडी से इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, 10 कैंडी केन से कर सकते हैं, या फिर 5 या 8 आपकी वो लगती हैं पेपरमेंट कैंडी उनसे कर सकते हैं। और बदले में आपको मिल सकता है ये रॉकर बंडल, मेल या फीमेल कोई सा भी। तो विंटर सरप्राइज लूट क्रेट में काफ़ी लोगों के बंडल निकल रहे हैं, मैंने अपने उस पर वीडियो पर भी बताई थी पिछली, तो जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया वो कैंडी से एक्सचेंज कर लें इस लूट क्रेट को और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कैंडीज वेस्ट ना करें, 3 मैक्सिमम ट्राई करें, अगर निकलता है तो सही है, नहीं निकलता है तो आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इवेंट्स में क्या क्या आए हैं, यहाँ पर 3 कैंडीज़ आपको देखने को मिली हैं अभी तक इवेंट्स में, जो 12 से 23 तारीख तक आपको कलेक्ट करनी है। तो 23 तारीख इसका लास्ट डे है यानी कि पीक डे है। तो यहाँ पर कैंडी केन की अगर बात करें तो कैंडी केन आपको कितनी कितनी मिलती हैं, तो पर डे आपको लॉग इन करने का, मतलब गेम ओपन करने का, 1 कैंडी केन मिलता है, और गेम में आप 10 कैंडी केन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पीक डे की बात करें 23 दिसंबर की, तो आपको गेम ओपन करने का 10 कैंडी मिलेंगी कैंडी केन, और गेम में आप कलेक्ट कर सकते हो 20 कैंडी केन, ठीक है। और अब बात करते हैं लॉलीपॉप कैंडीज़ की, तो 22 तारीख तक तो आप अगर आप लॉगिन करोगे गेम में, अपना अपना गेम ओपन करोगे, तो आपको पर
लॉगिन पर डे आपको एक कैंडी मिलेगी लॉगिन करने पर, और गेम में आप कलेक्ट कर सकते हो 5, मतलब कि मैप पे बैटल ग्राउंड पे जाके 5 से ज़्यादा आप कलेक्ट करोगे आपको ऐड नहीं होगी। फिर बाद में मत बोलिए मेरी ऐड नहीं हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब बात करें पीक डे की, कि 23 दिसंबर की, तो 23 दिसंबर को आपको लॉगिन करने का, मतलब कि गेम खेलने का, ओपन करने का आपको 10 कैंडी मिल जाती हैं, और 10 कैंडी मिलती हैं आपको बैटल ग्राउंड्स में कलेक्ट करने के लिए, तो 20 कैंडी आपको मिलेंगी 23 तारीख को। और बात कर लें पेपरमेंट कैंडी की, तो पेपरमेंट कैंडी शेयर करने पर 2 मिलते हैं। इवेंट साइट पर जाके आप इसको शेयर कर सकते हैं, मैंने शेयर किया था लेकिन मुझे कैंडी नहीं मिल रही है। गरेना वाले हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनको मैनेजमेंट तो ढंग से हो नहीं पाता है, तो वो इशू नहीं है, मैंने कंप्लेंट फिलहाल डाल दी है। फिर भी आप शेयर करिए, देर सवेर आपको मिल जाएंगी कैंडीज़ अगर इस पर आपको वो लोग एक्शन लेते हैं तो। शेयर आपको कहाँ से करना है, सिंपली इवेंट साइट पे मैं आपको जाकर दिखाऊंगा, वहाँ से शेयर कर देना। और आपका पर डे आप 2 बार शेयर कर सकते हैं, 2 कैंडीज़ आपको मिल जाएंगी ऐसे, और 5 कैंडीज़ आप हर रोज़ बैटल ग्राउंड्स में एयर ड्रॉप्स में कलेक्ट कर सकते हैं। एयर ड्रॉप्स जो ऊपर से गिराए जाते हैं बैटल ग्राउंड में एरोप्लेन से, वहाँ से जाके क्लेम कर सकते हैं 5 कैंडीज़ पेपरमेंट कैंडीज़ डेली। तो ये हो गई आपकी 3 कैंडीज़ के बारे में। बात करें आप अगर 14 से 22 आपको 5 मिलेंगी, और 23 तारीख की अगर पीक डे की बात करी जाए तो पीक डे पे आप 10 कैंडीज़ कलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्सेस से। तो अब यहाँ पर ये सारी कैंडीज़ आपको कलेक्ट करनी है, इनके रिटर्न्स में मिलेगा क्या क्या तो आपको देखने को पता मिल जाएगा। पेपरमेंट कैंडीज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेपरमेंट कैंडीज़ में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा पेपरमेंट कैंडीज़ में। लॉलीपॉप एक्सचेंज में पहले देख लेते हैं, लॉलीपॉप एक्सचेंज में आपको ये डियर हेड मिल जाएगा 130 पे, कैंडी केन के एक्सचेंज में आपको मिल जाएगा ये बियर्ड, और यहाँ पर कुछ मेमोरी फ्रेगमेंट्स होंगे कैरेक्टर्स के वो मिल जाएंगे। तो और लॉलीपॉप कैंडी में आपको ये हो गया, पेपरमेंट कैंडी एक्सचेंज में आप देख लीजिए, पेपरमेंट कैंडी अगर आपकी 60 हो जाती है तो आपको ये वाला बंडल मिल जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप 60 कैंडीज पे, ये जोकर एल्फ वाला बंडल आपको मिल जाएगा जो क्रिसमस में एल्फ रहते हैं। तो ये बंडल काफ़ी बढ़िया है, कलेक्ट करिए और अपनी सेव करके रखिए पेपरमेंट कैंडी, क्योंकि जो लोग डायमंड बाय नहीं करते उनके लिए अच्छा चांस है, एक कॉस्ट्यूम तो कम से कम उनके लिए है जो 60 कैंडीज़ पे उन्हें मिल जाएगा। तो ये तो हो गई कैंडीज़ की बात, अब फर्दर बात करते हैं क्या क्या आपको गेम में देखना है। इवेंट साइट पे कैसे जाना है, न्यूज़ में जाके गो टू पे जाना है, आप इवेंट साइट पे पहुंच जाएंगे। ये है आपकी इवेंट साइट जो अभी ओपन हो रही है, तो यहाँ पर इवेंट साइट पे आप आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए पेपरमेंट कैंडीज़ जो आपको 2 पेपरमेंट कैंडीज़ यहाँ पर शेयर करके मिलनी है पर डे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो शेयर एंड गेट 2 पेपरमेंट कैंडीज़ नाउ, तो गेट रिवॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे, आपको शेयर करने को पूछ रहा है किस पे शेयर करना है, तो फेसबुक पे आप शेयर कर दीजिए, कहीं भी शेयर कर सकते हैं आप अपना यहाँ पे लॉगिन वॉगिन करके, जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा शेयर और आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, न्यूज़ सेक्शन है ये, यहाँ पर गो टू लिखा है, यहाँ पे जाएंगे तो ये आपकी इवेंट साइट, इसको बोलते हैं ये आपकी इवेंट साइट है। तो यहाँ पे आप शेयर करके पेपरमेंट कैंडीज 2 ले सकते हैं पर डे, और 5 मिलती हैं आपको ड्रॉप बॉक्सेस में। तो अब यहाँ पे इवेंट्स देख लेते हैं, तो विंटर टॉप अप पहली इवेंट तो ये है, तो इसमें अगर बात करें तो आपको क्या करना है, 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये इवेंट है, प्लेयर कैन रिसीव रिवॉर्ड्स बाय टॉपिंग अप। तो अगर आप टॉप अप करते हैं, डायमंड्स बाय करते हैं, कोई मेंबरशिप नहीं इसमें इन्वॉल्व है, कोई कुछ नहीं, कोई पैक नहीं इन्वॉल्व है, कोई स्पेशल क्रेट इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली आपको टॉप अप करना है। टॉप अप करना मतलब सिंपल डायमंड परचेज करना, कोई ऑफर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप अगर 80 रुपये का आपका जो टॉप अप होता है जिसमें आपको 100 डायमंड मिलते हैं वो लेते हैं तो वो काम करेगा आपका। तो आपको अगर टॉप अप करते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक का टॉप अप करते हैं 1 डायमंड का, जो कि कभी होता नहीं है, ये लोग दिखाते हैं 1 डायमंड का टॉप अप करिए, बंदा सोचता है 1 डायमंड का टॉप अप याद है तो बहुत सरल है, 1 ही डायमंड लेना है, लेकिन आपको बता दूं 1 डायमंड आप कभी भी परचेज नहीं कर सकते। इनका मिनिमम टॉप अप जो होता है वो 100 डायमंड का होता है, जो 80 रुपये में आता है। तो कहने की बात वही है कि आपको 100 डायमंड बाय करने हैं, 1 नहीं। तो 100 डायमंड में आपको ये एक विंटर रॉयल का वाउचर मिल जाएगा, और विंटर रॉयल में आपको ये जो प्यूमा वाली, ये पांडा वाली ड्रेस है, और ये जिंजर ब्रेड वाला मैन वाला कॉस्ट्यूम है, इसमें स्पिन करके ये मिल सकता है। तो ये 1 टोकन है, ज़रूरी नहीं 1 टोकन में आपका इन दोनों में से कॉस्ट्यूम में से कोई निकल आए, तो 1 टोकन मिलेगा, मतलब 1 चांस मिलेगी आपको स्पिन करने की, और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इन दोनों कॉस्ट्यूम बंडल में से आपका कोई एक आइटम निकल सकता है। अगर आप 300 का टॉप अप करते हैं तो आपको मिल जाता है ये बॉम्ब का स्किन जो आपने देखा था वीडियो में, जो सेंटा क्लॉस के मुँह जैसा है जो फट जाता है। और अगर आप 500 का टॉप अप करते हैं तो आपको ये ऑटो टुक टुक की यहाँ पर मिल जाती है,
स्किन, तो काफ़ी बढ़िया स्किन है, विंटरलैंड से स्किन है, 500 पे आपको मिल जाएगी। और विंटरलैंड ग्रेनेड का टॉपअप 200 पे आपको मिल जाएगा, और एक डायमंड पे आपको विंटर रॉयल वाउचर मिल जाएगा विंटर रॉयल का। तो जॉम्बी आ रहे हैं, जॉम्बी मोड मैंने आपको बताया था, तो ये आपको देखने को मिलेंगे 19 तारीख से, 19 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको नॉर्मल अपने बैटल ग्राउंड्स पे मिलेंगे, नॉर्मल मैप पे मिलेंगे, कोई किसी मोड में नहीं मिलेंगे कि डेथ रेस में आपको जाके उनको गाड़ी से कुचल दें, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेन गेम में मिलेंगे। और जॉम्बी के बाद आगे बात करते हैं रैंक गेम हैप्पी आवर्स। तो रैंक गेम हैप्पी आवर्स आ रहे हैं एक बार फिर से, यानी कि आपकी जो रैंकिंग के पॉइंट्स हैं, आप अगर जल्दी भी मर जाते हैं तो ड्रॉप नहीं होंगे, जीरो रहेंगे लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएंगे। तो रैंक मैच जो लोग खेलते हैं उन्हें पता है कि अगर जल्दी मर जाते हैं तो आपकी जो पॉइंट्स हैं लीग के वो डिडक्ट हो जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। जितना लेट तक आप सर्वाइव करेंगे उतना पॉजिटिव में आपके पॉइंट्स जाते हैं, लेकिन जल्दी मरने पर नेगेटिव हो जाता है। तो इस टाइम जो आपका हैप्पी आवर्स का चलेगा ये 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है, और ये 4 से 7 आप अगर जल्दी भी मर जाएंगे तो आपकी जो रैंक के पॉइंट्स हैं वो माइनस में नहीं जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो भले चाहे आपको मिले ना उसके लिए तुरंत मरने के लिए, लेकिन आपके नेगेटिव में नहीं जाएंगे, तो पॉजिटिव होने हैं। तो आप दबा के खेलिए 4 से 7 बजे तक, नो ये रैंक ड्रॉप जोन है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 23 तारीख को, तो 23 तारीख को आपको खेलना है। और यहाँ पर विंटर रॉयल आया है, यहाँ पर विंटर रॉयल में आपको 2 कॉस्ट्यूम बंडल देखने को मिल रहे हैं, जो आपका पोलर वेयर का है और जिंजर ब्रेड मैन का है। तो ये आप स्पिन कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर डायमंड्स लगेंगे आपके इसमें। तो अगर चांसेस आपके अच्छे हुए, किस्मत आपकी अच्छी हुई, तो इन दोनों बंडल्स में से आपको कोई एक बंडल मिल सकता है। तो एक स्पिन का 60 डायमंड, 10 और 11 स्पिन का 600 डायमंड है, तो ये आपको मिल सकते हैं। गिफ्ट सेंटर रन, तो यहाँ पर गिफ्ट सेंटर का आपको मैंने पहले ही बता दिया था, गिफ्ट सेंटर यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये आपको 13 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलेगा, और आप गिफ्ट मतलब आप डायमंड से परचेज करके किसी को कुछ दे सकते हो, या फिर कोई आपको डायमंड से परचेज करके कुछ गिफ्ट दे सकता है, और बदले में दोनों को टोकन्स मिलेंगे। जो गिफ्ट देगा उसको मिलेगा बेल टोकन, जो जिसको गिफ्ट मिलेगा उसको मिलेगा सॉक्स टोकन। तो यहाँ पर आप रिवॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, कितने कितने बेल टोकन्स पे क्या क्या आपको मिलेगा, थोड़ी देर वीडियो रोक के यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं कितने टोकन्स पे आपको क्या मिलेगा। तो अगर 2 बेल टोकन होते हैं तो आपको 6 कैंडी केन मिलेंगे, 10 बेल टोकन आपके पास होते हैं तो 2 डायमंड रॉयल के वाउचर, 20 बेल टोकन होते हैं तो 5 विंटर सरप्राइज लूट के मिलेंगे, और 80 बेल टोकन होते हैं तो स्कबस बंडल मिलेगा। स्कबस बंडल आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा होगा, ये जो है ग्रीन ब्लू कलर का, ये स्कबस बंडल है और ये पैलोमर बंडल है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्कबस बंडल मिल रहा है यहाँ पर 80 बेल टोकन अगर आपके पास हो जाते हैं। 240 बेल टोकन की अगर बात करें तो पैलोमा का एक्सक्लूसिव बंडल आपको मिलेगा, मतलब पैलोमा का जो कॉस्ट्यूम है ये आपको मिल जाएगा 240 बेल टोकन पर। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपको अगर सॉक्स टोकन मिलते हैं, कि मतलब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको गिफ्ट के साथ सॉक्स टोकन मिलेंगे, तो आपको 4 सॉक्स टोकन के बदले 1000 गोल्ड मिलता है, 10 सॉक्स टोकन के मतलब 2 बाउंटी टोकन मिलते हैं, 20 सॉक्स टोकन के बदले आपको 10 गोल्ड रॉयल के वाउचर्स मिलते हैं, 40 सॉक्स पर आपको 5 विंटर सरप्राइज लूट क्रेट, और 140 सॉक्स पर पैलोमा मिलती है आपको। अगर आपका पैलोमा करेक्टर अनलॉक नहीं है तो पैलोमा आपकी अनलॉक हो जाएगी 140 सॉक्स टोकन पर, और 200 सॉक्स टोकन पर आपको एक्सक्लूसिव बंडल मिल जाता है पैलोमा का। तो दोनों ही केसेस में आपको पैलोमा का एक्सक्लूसिव सेट मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं लॉलीपॉप ड्रॉप के बारे में, आपको बता ही चुका हूँ, विंटरलैंड ड्रॉप बॉक्स डेथ बॉक्स। तो इसकी अगर बात करें तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था ये डेथ बॉक्स हमको कैसे मिलेगा, तो सिंपली आपको टॉपअप करना है, और टॉपअप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कम से कम 80 रुपये का होता है, जिसमें आपको 100 डायमंड मिलते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप टॉपअप कर लेंगे आपको ये क्लेम करने को मिल जाएगा डेथ बॉक्स। और यहाँ पर कैंडी केन की भी बात हो ही चुकी है, सब कुछ समझा दिया कितने कितने कैंडीज मिलेंगे। तो कैंडी केन हो गया, विंटरलैंड बॉक्स हो गया, और यहाँ पर लॉलीपॉप ड्रॉप हो गई, गिफ्ट सेंटर का बारे में बात हो गई है, विंटर एल्फ के बारे में बात हो गई कि क्या पेपरमेंट कैंडी से मिलेगा, विंटर रॉयल के बारे में, क्लोन नोज के बारे में, कॉल बैक फ्रेंड। तो यहाँ पर कॉल बैक फ्रेंड एक यहाँ पर इवेंट है, ये भी आप मिस ना करिए अगर किसी ने नहीं देखा है तो, अभी तो कभी सभी को पता चल। तो सिंपली आपको अगर कोई आपका फ्रेंड है जो 7 दिन से गेम नहीं खेल रहा, या तो आपका फ्रेंड हो या आपका कोई दूसरा अकाउंट हो जो आपने 7 दिन से ओपन नहीं किया है, तो सिंपली उसको इनवाइट भेज देना है, और इनवाइट भेजने के बाद वो आपका यूज़र आईडी कॉपी कर लेना आप अपना, और उसको यूज़र आईडी दे देना, और वो जैसे ही आपका यूज़र आईडी डालेगा तो आपका जो यहाँ पर रिवॉर्ड है वो आपको मिल जाएगा। रिवॉर्ड्स क्या क्या है वो आप देख सकते हो, कॉल बैक करने पर क्या मिलेगा। तो ये 23 दिसंबर से सब कुछ पहले ही पहले आपको करना है, मतलब आपकी डेडलाइन जो है वो 23 दिसंबर ही है।
तो रिवॉर्ड्स में यहाँ पर आपको स्किन मिलेगी गन की और भी कुछ है। और इन सब इवेंट के अलावा मैं आपको इवेंट साइट पे एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपकी विश पूछी जा रही है कि आपकी न्यू ईयर विश क्या है। तो सभी लोग अपनी अपनी विश डेली आकर यहाँ पर अपनी डालना ना भूलें, यहाँ पर सिलेक्ट जरूर करें अपनी अपनी विश। हो सकता है कि आपकी विश गरेना सुन ले फ्री फायर में, आपको दे दें वो चीज़ इन कमिंग अपडेट्स या फिर आने वाले दिनों में आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है और आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ये डेली पूछता, अभी भी 9 दिन बचे हुए हैं, तो आप 28 दिसंबर को यहाँ पर विनर अनाउंस होगा कौन विनर है। तो डेली यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर विश है वो एक डाल दिया करें। तो मेरे को 8 करेक्टर्स, 6 कॉस्ट्यूम बंडल और अफेक्ट गन स्किन्स, ऑल वॉरियर ग्रैंड प्राइजेस, 3 बैकपैक स्किन्स, क्या चाहिए आपको एक विश यहाँ पर जरूर डालिए। मैं चलिए क्या करता हूँ, 8 करेक्टर कर देता हूँ ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पर लिख के आया है योर 2018 न्यू ईयर विश इज़ टू गेट 8 करेक्टर्स या फिर चूज अनदर। तो मैं यस कर देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पर मेरे को इसके बदले रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो मेरा मेमोरी फ्रेगमेंट मिला है मुझे एंड यूज टमोरोज रिवॉर्ड। यहाँ पर गोल्ड रॉयल वाउचर्स हैं, तो आपको गोल्ड रॉयल वाउचर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको विश आके फिर से अपनी यहाँ पे एक नई सिलेक्ट करनी होगी और यहाँ पे कल आपको 2 गोल्ड रॉयल के वाउचर मिल जाएंगे। तो ये इवेंट आपको डेली करना है, 9 दिन आप कर सकते हो, अभी भी 9 दिन बचे हुए हैं। तो ये सारे इवेंट हैं जो अभी आपको देखने को मिले हैं। और 23 तारीख का सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंस है, 23 तारीख को सबको खेलना ही खेलना है, मतलब एक दिन तो कोई आता ही है जो पीक डे होता है इवेंट का। तो यहाँ पर इस टाइम 23 तारीख है इंडियन सर्वर में, 23 दिसंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना है, क्योंकि आपको मोबाइल टोकन्स भी उसी दिन मिलेंगे, ड्रॉप किए जाएंगे और आपका नो रैंक ड्रॉप भी उसी दिन है। तो मेनली आपका जो पीक डे है वो 23 है, आपको 23 ही को सारे रिवॉर्ड्स क्लेम करने हैं, सारे रिवॉर्ड्स एक्सचेंज करने हैं, जितने भी आपके कैंडी केन हैं वो 23 तक एक्सचेंज कर लेना। 23 के बाद ये मत कहना मेरे पास कैंडी केन बचे रह गए, मैंने एक्सचेंज नहीं किया, अब मैं क्या करूँ उन कैंडीज़ का। तो उस टाइम उन कैंडीज़ का सिंपली आप खा लेना या फिर कोई बच्चा हो आप आसपास उसे खिला देना, उसे दे देना, क्योंकि 23 के बाद उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ आपकी कैंडीज जितनी भी कलेक्ट हो जाएँ 22 तारीख तक, 23 को ज़रूर उसको एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। तो यही बताना था इस वीडियो में, आई होप आपको सारे इवेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई इवेंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, आप किसी का कुछ गलत कुछ मिस ना हो जाए ही उम्मीद रखता हूँ। और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।